रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को एक साल पूरा होने वाला है। इस बीच पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ी हुई है। उन्हें डर है कि आगामी 24 फरवरी को युद्ध की पहली बरसी पर रूस यादगार के तौर पर कुछ खतरनाक कदम उठा सकता है। ताज़ा हालात देखकर लगता है कि पश्चिमी देशों का जो डर था वो सही साबित होता दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने 36 क्रूज और दूसरी मिसाइलों के साथ एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमला बोला है। यूक्रेन के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि उनमें से कम 16 को यूक्रेनी एयर डिफेंस यूनिट ने तबाह कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमाक ने कहा कि रूसी सेना ने हमले के लिए अपनी रणनीति बदल दी और उन्होंने एक्टिव टोही और झूठे टारगेट तैनात किए। उन्होंने कहा कि देश के नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में टारगेट को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के स्थानीय गवर्नर सेरही लाइजैक ने बताया कि पूर्वी शहर पेवलोहार्ड में मिसाइल अटैक में 79 साल की एक महिला की मौत हो गई और करीब 7 लोग घायल हुए हैं। पश्चिमी यूक्रेन के एक क्षेत्रीय गवर्नर मैक्सिम कुज़की ने कहा कि लीव प्रांत में एक अहम बुनियादी ढांचे में आग लग गई। इससे पहले खुफिया अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि रूस यूक्रेन में फिर से जमीन पर कब्जा करने के लिए लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की एक नई सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। डेली मेल ने बताया कि पश्चिमी विश्लेषकों ने कहा है कि यूक्रेनी सीमा पर विमानों के निर्माण से व्लादिमीर पुतिन की सेना डोनबास क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकती है। आपको बता दें कि नाटो प्रमुख जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने हाल ही में कहा था कि हमें ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता है कि राष्ट्रपति पुतिन शांति की तैयारी कर रहे हैं। हम जो देखते हैं वे इसके विपरीत है। वे और अधिक युद्ध और नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि मॉस्को पूर्वी डोनबास एरिया पर बड़े हमलों की योजना बना रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर में खार्कीव और देश के दक्षिण पूर्व में जैपोरिजिया पर विमानों और हजारों टैंकर और बख्तरबंद वाहनों के साथ नए हमले भी कर रहा है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।